हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप? मैं हूं आपकी अपनी डिंपल और हमारे साथ हैं शालिम गिल। और आज हम जिस वीडियो पर रिएक्शन देने वाले हैं वो वीडियो सर की फेवरेट है, उन्होंने निकाली और कह रहे थे कि ये वीडियो बहुत अच्छी है, इस पर हम रिएक्शन करेंगे। तो वीडियो का नाम बताएंगे, एलवी यादव की वीडियो है रोस्टिंग इंस्टाग्राम रील्स। तो इस वीडियो पे रिएक्शन देंगे, देखते हैं वीडियो कैसी है, आप भी देखिए हम भी देखिए। एलवी यादव क्योंकि काफी सारी चीजों को रोस्ट भी कर रहे हैं। हाँ। अच्छा रिस्पांस आ रहा है उनको भी, इनको अच्छे चैनल पे रोस्टिंग चल रही है। और एलवी यादव ने एक बहुत ज़्यादा हाइप भी क्रिएट कर दी थी, जब आपको सबको पता है जब इंस्टाग्राम जब ये टिकटॉक और यूट्यूब का जो मुकाबला हो गया था एक, और बहुत बजाई थी एलवी यादव ने। तो देखते हैं कि अभी इंस्टाग्राम पे टिकटॉक के बाद उनसे ना इंस्टाग्राम रील्स आ चुका है, तो रील्स पे इनके क्या रिव्यू हैं और कैसा रोस्ट किया है इन्होंने एलवी यादव ने। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और बेल नोटिफिकेशन को लाजमी क्लिक कर दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आप तक जल्दी से जल्दी पहुंचे। वीडियो स्टार्ट। भाई तुम में तो बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि मैं इसको बोलूंगा छपरी है, पन्नी चुगने वाला, इसके बाड़ों में किसी ने पान थूक दिया है। भाई देखो, ऐसा मैं कुछ भी नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि सच बोलने की नहीं है यार। और यार एक संस्कारी रोस्ट है भाई। देखो बहुत टाइम से मैं प्लान कर रहा था कि एक रील्स के ऊपर रोस्ट निकालूं, मतलब प्रॉपर रोस्ट। ये वही वीडियो है भाई, वीडियो को एंड तक देखना, वीडियो बहुत ज्यादा सेक्सी होने वाली है। तो भाई चलो स्टार्ट करते हैं। तो भाई शुरुआत करते हैं इंस्टाग्राम की बकचोदी से। सबसे पहला नंबर आता है इंस्टा बायो। ये लोग अपनी इंस्टा बायो में इतनी बकवास बकवास चीजें लिखते हैं भाई, मेरे को ये समझ नहीं आता कि ये इंस्टा बायो है या फिर ओवेसी की स्पीच। और भाई ये क्या बकवास है, तुम अपने बर्थडे को बोलते हो केक मर्डर डे। भाई ये कौन बताएगा, मर्डर तो उस दिन तुम्हारे माँ बाप की उम्मीदों का भी हुआ था। और ये जो तुमने अपनी बायो में अपने लाइफ पार्टनर को मेंशन कर रखा है, भाई क्या तो तुम्हें उसमें बहुत ज्यादा भरोसा है, या फिर तुम्हारे घर वाले अभी तक नोकिया 3310 यूज कर रहे हैं। इसके बाद आता है इंस्टाग्राम का स्टोरी फीचर। भाई तेरे 312 फॉलोवर है यार, और तू लिख रहा है आस्क मी एनीथिंग। तेरे से क्या पूछूं, तू आंगनवाड़ी के पेपर में फेल हो चुका, इसका मतलब ये दुनियादारी की तेरे को समझ नहीं है। अब रही बात तेरी पर्सनल लाइफ की, अगर तूने अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में सब सच सच बता दिया ना, जो तेरे 312 फॉलोवर है ना भाई, उसमें सिर्फ 15 ही बचेंगे। और भाई उससे भी ज्यादा चूतिया लोग वो होते हैं जो अपनी स्टोरियों में लिखते हैं TBH, यानी कि टू बी ऑनेस्ट। भाई तुम्हें ऑनेस्टली जानना है कि लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं, मतलब तू इंस्टाग्राम पे सच्चाई की उम्मीद कर रहा है। भाई आजकल के लोग गीता पे हाथ रख के झूठी कसम खा जाते हैं। और भाई ऑनेस्टली क्या बताऊं तुझे कि तू चूतिया है। मां चोट दी है भैया जी अब तो। तो भाई अगला नंबर आता है इंस्टाग्राम के पोस्ट फीचर का। तो सबसे पहले बात करता हूं मैं उन लोगों के बारे में जो अपनी एक तस्वीर के 6 टुकड़े करके उनको अलग अलग पोस्ट करते हैं। भाई एक चीज बताना चाहूंगा, इंस्टाग्राम पे बड़ी तस्वीर पोस्ट करने से तुम्हारी शक्ल नहीं बदल जाएगी, तुम भाई पहले भी चूतिया थे और अब भी चूतिया हो। और यार एक चीज बताओ, इतिहास उठा के देख लो, बंटवारा करने से कभी किसी का भला हुआ है सिवाय दो लोगों के। समझ रहे हो, समझ रहे हो ना? और साले मेरे ऊपर केस मत करते, तेरी गांड फाड़ दूंगा। अब चलते हैं भाई इंस्टाग्राम की औलादों के पास। जी हाँ, इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स के पास। भाई देखो, अगर तुमसे कोई रास्ते में मिले और पूछे कि भाई चूतिया कैसे दिखते हैं, चूतिया की डेफिनेशन क्या है, तो भाई उनकी प्रोफाइल दिखा देना, वो समझ जाएगा चूतिया कैसे दिखते हैं। एक इन्फ्लुएंसर कहती कि यार मैं इतना ज्यादा बिजी रहती हूँ, मेरे पास खाना खाने तक का भी टाइम नहीं होता। तो दीदी एक चीज बताओ, अगर आप खाना नहीं खाती तो इंस्टाग्राम पे इतना हक कैसे लेती हो तुम? वैसे यार इंस्टाग्राम से गवर्नमेंट की हेल्प हो जाती है, पहले सर्वे करना पड़ता था कि कितने लोग अनपढ़ है हमारे देश में, अब सिर्फ पैसों के फॉलोअर्स देखने पड़ते हैं। और यार मुझे इंस्टा की फीमेल मॉडल्स का समझ नहीं आता, मतलब 90-95% फोटोज में अपनी ये दिखाएंगी, और उनपे जाके कोई कमेंट कर दो कि नाइस बट, तो उनको बोलेगी कि भाई हमें हरास कर रहे हैं, ऐसे कैसे चलेगा दीदी। भाई जब से जियो आया तब से मजदूर चौक पर खड़े होने वाले लेबर अपने इंस्टाग्राम बायो में लिख रहे हैं DM फॉर पेड कोलैबोरेशन। शर्म करो भगवान से डरो, भोसड़ी वालों भगवान से डरो, कुछ अच्छा करो लाइफ में। हाँ
हाँ तो गाइस जैसा कि आप लोगों को पता है 2020 खत्म होने वाला है और फ्लिपकार्ट पे चलेगी भाई 18 दिसंबर से 22 दिसंबर तक बिग सेविंग डे सेल्स, जिसके अंदर मोबाइल फोन बहुत ज्यादा सस्ते हैं, बहुत ज्यादा चीपेस्ट है, इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत ही सस्ता है। और इस पे अगर आपको एक्स्ट्रा कैशबैक चाहिए भाई डाउनलोड कर लो लेटी शॉप्स ऐप। मैं पहले बता चुका हूं भाई ये एक कैशबैक एप्लीकेशन है और बहुत ही आइडिया ऐप है। इसके अंदर 2000 से भी ज्यादा स्टोर है, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, जियो सारे इसके अंदर। और अगर अपने फोन में फालतू ब्रांड का स्पेस नहीं घेरना तो भाई ये फालतू चीजें डिलीट कर दो और सिर्फ एक ही ऐप को रख लो इस लेटी शॉप्स को। लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां पे जाके डाउनलोड कर लो। तुम्हें कुछ नहीं करना, ईमेल पासवर्ड डाल के रजिस्टर करना है। सपोज तुम्हें शॉपिंग करनी है फ्लिपकार्ट पे, सीधा फ्लिपकार्ट पे जाओ, तुम्हें सारे कैशबैक भी मिल जाएंगे, डिस्काउंट विस्काउंट सब मिल जाएगा। और एक इंपॉर्टेंट चीज, अगर तुम कोई ऑर्डर कैंसिल करते हो तो भाई आपका कैशबैक भी कैंसिल हो जाएगा। अब भाई चलो इतनी भसड़ हो चुकी है तो अब एक काम करते हैं, इंस्टाग्राम के आतंकवादियों पे नजर डाल लेते हैं एक बार। तुम ये देखो भाई वो मैं साफ कर रहा हूँ ना, हंस के मेरी गांड फट गई थी। और हंसी मुझे इसकी रील्स पे नहीं आई, हंसी भाई मुझे इसके माँ बाप पे आई। ये क्या जानवर पैदा कर रखा तुमने? अरे बेटो सकल अच्छी ना, कम से कम रील्स तो अच्छी बना लेगा। जो तुम ये बिना परमिशन के बंदूक दिखा रहे हो ये इंस्टाग्राम पे, भाई चीज बताता हूँ, इन जैसे चूतियों की वजह से ही फैजू भैया का धंधा बंद हुआ था, सॉरी टिकटॉक बंद हुआ था। और भाई वो दिन भी दूर नहीं है जब मोदी जी इंस्टाग्राम का भी जनाजा उठा देंगे कि बहन क्या दिखा लग रहे हो तुम, इल्लीगल चीज है। माँ कसम भाई दुनिया में क्रिंज के नीचे अगर कुछ होता ना तो मैं इसको उस कैटेगरी में रखता। हाथ पैर में दम नहीं, हम किसी से कम नहीं। भाई तुम्हारी बहन को कोई छेड़ रहा भाई, चलो भाई चलो भाई चल भाई, तेरी बहन लाके तू बचा समझा। अबे रुक, बस कर रहन दे यार, तेरी कसम सुअर लग रहा है। अगर तू 2 मिनट मैंने और देख लिया ना तो भाई मां कसम कैमरे पे थूक दूंगा, और कैमरा बहुत महंगा है तो इसलिए प्लीज इसको बंद कर दे प्लीज। भाई जो गंदगी टिकटॉक पे थी सेम हमारे रील्स पे भी आती जा रही है, मतलब आ चुकी है एक तरीके से। जैसे ही इनके गंदा कंटेंट है ऐसे ही भाई इनके सेलिब्रिटी गाने बना रहे हैं। और एक चीज बताता हूँ भाई, जो तुम आर्मी को लेके इतने ज्यादा सेंसिटिव हो, आर्मी के टाइम पे भाई एकता कपूर की ऐसी करती थी, तुम यहाँ अब कहो आतंकवादी जैसे गाने बनाए जा रहे भाई, इनकी गांड फाड़ दो ना जाके। मैं तो भाई देखो इतनी लिमिटेड ही गांड फाड़ सकता हूँ क्योंकि ये स्ट्राइक वराइक मार देंगे, मेरे को फिर चीजें पसंद नहीं है। तो भाई आपके ऊपर सारा काम छोड़ रहा हूँ, आप कर दो जो आपके हिसाब से जो आपको करना है। और भाई वीडियो पसंद आई है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और भाई मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, कहीं आ गया होगा बढ़िया बढ़िया मैं स्टोरी डालते रहता हूँ तो वहाँ भी मेरे को फॉलो कर लेना, और ऐसे ही प्यार दिखाते रहो। थैंक यू। और गाइस एक चीज और, फ्लिपकार्ट की सेल 22 दिसंबर तक है तो भाई लेटी शॉप से ऐप डाउनलोड कर लो और भाई खूब सारे पैसे बचा लो शॉपिंग करने से, मतलब कैशबैक ही कैशबैक, अपनी सारी चीजें बचा लो, डाउनलोड कर लो लेटी शॉप से ऐप, लिंक डिस्क्रिप्शन में। हिंदू भाइयों शेर बनो, जवाब दो, ना शेर बन सको तो शेयर करो, दबा के शेयर करो। गाइज आई नो आप लोग ये वीडियो देख के सोच रहे होंगे कि मैं इसको बोलूंगा पन्नी चुगने वाला है, छपरी है, इसके बालों में किसी ने पान थूक दिया है। देखो भाई जो आप सोच रहे हो ना ऐसा ही बोलने वाला हूँ मैं, सारे दल्ले नहीं पता बहन चुद कहाँ से पैदा हो जाते हैं। दिए भैया जी आप तो सारे केस मत करते, गांड फाड़ दूंगा बीजेपी में, बीजेपी में उसके तरह ही। भाई इसके बाद बात, भाई अगला नंबर आता है इंस्टा का पोस्ट फीचर जो होता है। भाई एक चीज बताता हूँ, सबसे पहले मैं उन लोगों को कुछ बोलना चाहता हूँ जो अपनी तस्वीर के छह छह टुकड़े करके उनको अलग अलग अपलोड स्क्रिप्ट बोल गया करें। भाई इसके बाद बात आता तो गाइस ये वीडियो थी एलविश यादव की, और यार बाकी में बड़ा बहुत सेक्सी वीडियो थी और बड़ी दबा के रोसना इंस्टाग्राम रील्स की ली गई है। सही बात है, और बात बिल्कुल सही की गई है कि यार टिकटॉक से जो टिकटॉक का जो गन था वो सारा उठ के इंस्टाग्राम रील्स पे आ चुका है, और इंस्टाग्राम को भी पता नहीं मोदी रोसना वो अब क्या करते हैं, क्या कह रहा था जनाजा इंस्टाग्राम का भी जनाजा शायद उठने लगा है। सही बात है, पता नहीं इंस्टाग्राम पर भी अलग ही रोसना वो
गंद मच रहा है जो भी हो। मुझे तो बहुत मजा आया, वीडियो बहुत पसंद आई, मेरे तो हंस हंस के बुरी हालत हो रही थी। और हमें पता है कि आपको भी हमारी वीडियो बहुत पसंद आएगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें और नोटिफिकेशन को लाजमी प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक जल्दी पहुँच जाए। और इंस्टाग्राम की बात चली रही है तो भाई डिस्क्रिप्शन में आपको अच्छा सॉरी के इंस्टाग्राम का भी लिंक मिल जाएगा, तो उसको भी जाके लाजमी जो सर उसमें हमें वहाँ पे भी फॉलो करें। वहाँ पे भी आपको जो सिंपल डिंपल की जो ना वो बहुत सी जो फ़नी चीज़ें हैं और फ़नी आपके साथ जो बातचीत वहाँ पर चलती रहेगी। और आप हमसे अगर बात करना चाहते हैं तो लाजमी हमें जो सर इंस्टाग्राम पर कॉन्टेक्ट करें और इंस्टाग्राम पर उनसे फॉलो करें। ठीक है जी, डिंपल और शालीम गिल को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।